गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर नंबर 6, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब किसकी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में बात चल रही है यहाँ पर? सीगल एक पक्षी है, उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। सीगल एक ऐसा पक्षी है जो समुद्री इलाकों में रहना पसंद करता है, जहाँ का एटमोसफेयर कोल्ड होता है, कूल होता है, वहाँ पर रहना पसंद करता है। तो स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज कहते हैं रॉक को, रॉक मीन्स होता है चट्टान। द यंग सीगल वॉज अलोन, वो अपनी चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैज ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही उसके ब्रदर्स और उसकी एक छोटी सी प्यारी सी सिस्टर थी जो उड़ चुके थे। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन वो जो था सीगल वो उड़ने से डरता था, उसे डर लगता था कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं पानी में। Somehow मतलब होता है किसी तरह, कि किसी तरीके से, किसी तरह। When he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। जैसे ही उसने थोड़ा सा हिम्मत की कि वो आगे जाए, उड़े, छलांग लगाए, लेकिन वो डर गया। He had taken a little forward to the brink, किनारे पर गया ledge के और कोशिश की, attempted to फ्लैप हिज विंग्स, अपने जो विंग्स हैं, जो अपने पंख हैं, उनको फैलाया उड़ने के लिए। तभी क्या हुआ, उसे डर लग गया एकदम से। एफ्रेड मीन्स होता है डर लगना, तो उसे डर लग गया कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं। द सी स्ट्रेस्ड डाउन बनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। मतलब जब उसने अपने पंखों को उड़ने के लिए फैलाया तो उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ा है, कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, ये तो बहुत गहरा है, मैं नीचे गिर गया तो मैं तो मर जाऊंगा। The next paragraph, he felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब क्या होता है, अब उसने थोड़ा सा अपने आप को कोशिश की, उसने मतलब क्या सोचा बाद में, उसने सोचा कि जो मेरे पंख हैं वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसने क्या किया, वो उसने अपना सिर झुकाया और वापस लेज की तरफ चला गया। लेज मतलब चट्टान जहाँ वो खड़ा हुआ था, वहां पर चला गया और पूरी रात सोता रहा। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, वो रात में वहीं सोता रहा। ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर रैन टू द ब्रिंक, वो लोग तो चले गए उड़ के वहां से। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, उड़ गए थे वहां से। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंज, लेकिन वो साहस नहीं जुटा पाया था वहां से उड़ने का। मस्टर अप मीन्स होता है साहस जुटाना, मतलब हिम्मत करना। हिज मदर एंड फादर केम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। श्रीली मतलब तेज आवाज में उसके मम्मी पापा उसे ढूंढते हुए वहां आए, चिल्लाने लगे उसका नाम लेकर कि कहाँ हूँ आप, ऐसे बोलने लगे श्रीली। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व अनलेस ही फ्लू अवे, अब वो सोचते हैं उसके मम्मी पापा कि अगर इसने उड़ान नहीं भरी तो ये तो भूखा मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो हिल नहीं सका वहां से, वो डर के मारे उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो क्रॉस कर ले। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। अब 24 आवर्स बीत चुके थे, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया। नाउ टर्न द पेज। ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, मतलब उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट, अब कोई भी थोड़ा सा भी खाना उसके लिए नहीं बचा था। ही देन ट्रॉटेड बैक एंड फोर्थ ट्राइंग टू सम मीन्स ऑफ रीचिंग हिज पेरेंट्स विदाउट हैविंग टू फ्लाई। बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स देयर वॉज अ डीप वाइड कैजम। कैजम कहते हैं खाई को। अब क्या होता है, वो देखता है, वापस देखता है, उस तरफ जाता है चट्टान की तरफ, सोचता है कि वहां पे मेरे पेरेंट्स आ जाएं कहीं से, बिना मतलब मैं उड़ूं भी नहीं और मेरे मम्मी पापा भी मुझे मिल जाएं, वो ऐसा सोचता है। लेकिन क्या होता है, उसके मम्मी पापा जहां खड़े हुए हैं और जहां पर वो खड़ा हुआ है, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में एक बहुत गहरा समुद्र है, बहुत वाइड समुद्र है, जिसे वो पार नहीं कर सकता अपने डर की वजह से। और खाई है बीच में, उसे इस बात का डर है कि कहीं वो, अगर उसने उड़ने की कोशिश की और वो गिर गया तो वो मर जाएगा। मतलब ऐसा है कि एक चट्टान पे तो खड़ी हुई है उसकी मम्मी, और सेकंड जो चट्टान है, जो रॉक है, वहां पर सीगल खड़ा हुआ है। कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ।